प्रवासी श्रमिकों को 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सरलता के साथ जिस छत्तीसगढ़ियों के को अपने सभी हर वर्ग, चाहे हर छत्तीसगढ़ की भाषा हो, चाहे छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो, चाहे छत्तीसगढ़ का खान पान हो, आज छत्तीसगढ़ का हर एक चीज़ जो है पूरे विश्व में टंका बज रहा है, उसका एकमात्र श्रेय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी श्रमिकों को फिर से, जैसे कि नई नई योजनाएं देते हैं, फिर एक बार फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों को एक नई योजना दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक मैं, क्योंकि मैं मज़दूरों का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं खुद ही मज़दूर नेता हूं, ट्रेड यूनियन लीडर, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूं, सभी श्रमिक भाई जो जब मैं बाहर निकला तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए और ये कहा कि साहब की हमारी जो एक सूत्री मांग, जब हम लोग 59 वर्ष या 50 वर्ष के बाद होते, जब हम लोग रोज़गार नहीं कर पाते, तब हमको कुछ ऐसी कोई सहायता योजना लानी चाहिए, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए एक घोषणा कर दी। ये हम सभी श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा।